हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ वालों के लिए नन हिंदी, यानी क्लास एट का हिंदी, जिसमें से आज हम लोग कवर करने वाले हैं कबीर के पास जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है उसी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भक्ति काल के कवि हैं, तो भक्ति काल के कवि कौन है। सबसे पहले देखिए कबीर के पद जो चैप्टर है इसका लेखक कबीरदास ही है, ठीक है। इसको या कैसे याद रखेगा, कबीर के पद के लेखक कौन है, कबीरदास ही है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, भक्ति काल के कवि हैं। जब इस चैप्टर को आप स्टार्ट कीजिएगा ना तो ऊपर में देखिएगा पिलर थोड़ा सा हेडिंग दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसी में इसका वर्णन है भक्ति काल का, बाकी बात नीचे कहीं नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, गोपाल सिंह नेपाली, दूसरा ऑप्शन आपका अरुण कंवर, तीसरा ऑप्शन आपका बिहारी और चौथा ऑप्शन आपका कबीरदास। तो कबीरदास जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, किस काल के, भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन हम लोग का दूसरा नंबर है, कागद का अर्थ है, कागद का अर्थ क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है आपका कलम, तीसरा ऑप्शन है आपका स्याही, चौथा ऑप्शन है आपका कागज। तो कागज का अर्थ इसमें क्या होता है, कागज होता है। जब वो कबीरदास कहते हैं मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की देखी, ठीक है, तो कागज मतलब क्या होता है, यहाँ पे कागज होता है। तीसरा देखिए यहाँ पे है ना, मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति उद्धत है, यानी किससे लिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका कबीर के पद से, दूसरा आपका पीपल से, तीसरा ऑप्शन है आपका कर्मवीर से और चौथा ऑप्शन है आपका बिहारी के दोहे से। तो यह जो लाइनिंग लाइन जो लिखा गया है वह लिया गया कबीर के पद से। देखिए यह बहुत ही मतलब छोटा कविता है और जब इसको पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो एक बार जरूर टाइम निकाल के पढ़िएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है चौथा नंबर, कबीर के पद के रचनाकार कौन है, यानी कबीर के पद जो चैप्टर का नाम है इसके लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका शंकर शैलेंद्र, दूसरा ऑप्शन है आपका नरोत्तम दास, तीसरा है आपका अरुण कमल और चौथा ऑप्शन है आपका कबीर दास। तो कबीर के पद के लेखक कौन है, कबीर दास हैं, ठीक है, कबीर दास हैं। पचवा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे में मोको कहा गया है। तो मोको को, मोको जो एक वर्ड है, ठीक है, लिखा गया है इसमें, वह किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका शैतान को, दूसरा ऑप्शन है आपका भगवान को, तीसरा ऑप्शन है आपका इंसान को और चौथा ऑप्शन है आपका नादान को। तो मोको वर्ड जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, भगवान के लिए, यानी ईश्वर के लिए हुआ है। इसमें कबीरदास कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो इसका अर्थ है मतलब क्या बताना चाहते हैं कबीरदास इस पंक्ति के अनुसार कि हम लोग जो मतलब भगवान ईश्वर को ढूंढने खोजने के लिए तरह तरह जगह जाते हैं तो हमें वही बोलता है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मतलब हो गया इसका कि मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, ठीक है, यही इस पंक्ति का अर्थ होता है। तो मोको का अर्थ किसके लिए हुआ है, भगवान ईश्वर, जो भी आपका ऑप्शन है उस हिसाब से आप ऑप्शन लगा लीजिएगा, मतलब टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है छठा नंबर, कवि ने ब्राह्म अडम्बरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है, करारा प्रहार, खूब प्रचार, भरपूर समर्थन, भरपूर सम्मान। तो इसने क्या किया है, करारा प्रहार किया है। तो लोग जो इसमें बहुत सारे वर्ड से बोलता है ना कि मैं कहता हूँ जागत रहिए तू जाता है सोई रहे, मतलब कि ये संसार के लोगों को क्या बोलते हैं, जागने के लिए कहते हैं और संसार के लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, नहीं इसके बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये कबीरदास जो है जो आँख से अपनी बात को देखते हैं उसी को बताते हैं और संसार के लोग जो है कागज़ की बात यानी किताब में जो पढ़ते हैं वही बताते हैं। तो कबीरदास इन सब पे क्या करता है, करारा प्रहार करता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है। तो पहला ऑप्शन है आपका कानों सुनी और दूसरा ऑप्शन है आपका आँखें देखी, तीसरा आपका बातों सुनी और चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो कबीर जो है कागज की लेखी की जगह किसका उपयोग करता है, आँखें देखी। तो कबीरदास ऊपर में ही पढ़े थे ना, कबीरदास कहता है कि मैं आंख की देखी बात को कहता हूँ, संसार के लोग क्या करते हैं, किताब यानी वही कागज की लिखी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, आंखें देखी, आंख का दिखा हुआ। अगला क्वेश्चन आठ नंबर हम लोग का है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है, यानी प्रस्तुत पंक्ति जो लाइन है किससे लिया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका बिहारी के दोहे, दूसरा ऑप्शन है आपका पीपल से, तीसरा ऑप्शन है आपका कबीर के पद से और चौथा ऑप्शन है आपका झांसी की रानी से। तो यह जो लाइन लिया गया है वो लिया गया कबीर के पद से, यानी आठवां नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है मोको, नौवां नंबर क्वेश्चन है ना, मोको का अर्थ है, मोको का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका उसका, दूसरा ऑप्शन है आपका इसका और तीसरा ऑप्शन है आपका मुझको और चौथा ऑप्शन है आपका तुम्हारा। तो मोको का अर्थ होता है मुझको, पता है ना, मोको कहाँ ढूंढे रहे बंदे, मतलब मुझको तुम कहाँ ढूंढते हो बंदे, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। देखिए इन कहानी में जो ना एक वर्ड और यूज किया गया है जिसमें से कहता है कि ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, जिसका मतलब देवल का मतलब अर्थ पूछा गया था, ठीक है, 2021 में,
हो सकता है इस बार भी पूछ ले। तो देवल का अर्थ होता है मंदिर, ठीक है, नाम है देवल, नाम है मस्जिद, तो मस्जिद के, मस्जिद और मंदिर तो एक ही होता है, तो मतलब एक ही तरह का है, जैसे अलग अलग संप्रदाय के लोगों के लिए वो चीज़ अलग है। तो इसमें मतलब देवल का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, मंदिर होता है, और मस्जिद तो आप लोग जानते ही हैं। तो मोको का अर्थ किसके लिए क्या क्या है, मोको, मोको वर्ड का अर्थ क्या होता है, मुझको होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, कबीर किस काल के कवि हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था, कबीर किस काल के कवि थे, पहला ऑप्शन आपका क्या है आदिकाल, दूसरा आपका भक्ति काल, तीसरा आपका रीति काल, और चौथा है आपका आधुनिक काल। तो कबीरदास जो होते हैं वो भक्ति काल के कवि, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देख सकते हैं 11 नंबर, कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं, किस भक्ति धारा के। तो पहला आपका, आपका वो ऑप्शन है सगुण भक्ति धारा, दूसरा आपका निर्गुण भक्ति धारा, तीसरा आपका दोनों, और चौथा आपका किसी के नहीं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। कबीरदास जो क्या आते हैं वो निर्गुण भक्ति धारा होते हैं, इसमें निराकार के बारे में बताया जाता है, ठीक है। जब ये कबीर के पास जो चैप्टर है ना, जब इसको आप एक पेज पलटिएगा तो उसके बाद आपको जाके मिलेगा ये इस लाइन के बारे में, सगुण भक्ति धारा क्या होता है, निर्गुण भक्ति धारा क्या होता है। तो जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें मैं सभी को, इन सभी क्वेश्चन को जो है पूरा डिटेल से बताऊँगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस कवि का भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। तो कहने का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि तत्कालीन समय में ही बल्कि समकालीन समय में भी उसका यही मतलब कि योगदान था। पहला ऑप्शन आपका बिहारी, दूसरा है दिनकर, तीसरा है कबीर, तो चौथा आपका तुलसी। तो कबीरदास इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 नंबर का सी नंबर। इसका जो भावबोध है यानी कहने का अर्थ है वो तत्कालीन से ही नहीं बल्कि समकालीन समय में भी इसका यही योगदान था, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आंखें देखी की प्रस्तावना है, यानी कि मतलब सीधा जैसे बोला जा रहा है सीधा उसका दिखता है, यानी आंख की देखी बात। तो आपका पहला ऑप्शन है आपका बिहारी, दूसरा ऑप्शन है आपका मोहम्मद इकबाल, तीसरा आपका कबीर, और चौथा है आपका दिनकर। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, यानी कबीर, ठीक है, कबीर के पद। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, देख लीजिए अगला वीडियो कौन सा चैप्टर का होने वाला है, विक्रमशिला, ठीक है। तो इसी का ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपसे मिस ना हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।